सरकार पर फिर बरसे अखिलेश। कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर प्रहार। बिहार जैसी वारदातें लखनऊ में हो रही हैं। छोटे लोहिया के तौर पर पहचाने जाने वाले समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि देते हुए सूबे की योगी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि सूबे में अराजकता की स्थिति है, लगातार संगीन घटनाएं हो रही हैं, बीहड़ जैसी वारदातें अब लखनऊ में हो रही हैं। लोहिया जनेश्वर मिश्र ने हमेशा अपने भाषण से, अपने व्यक्तित्व से, अपने संघर्ष से तमाम नौजवानों को प्रभावित किया। उनका भाषण जब होता था, चाहे वो राज्यसभा में देते हो, लोकसभा में दिया हो या शिविरों में दिया हो, उनको विचारों को सुनने बड़ी संख्या में लोग निकल पड़ते थे। उन्होंने अपने विचारों से प्रभावित किया, उन्होंने अपने संघर्ष से प्रभावित किया और इसीलिए लोग आज भी उन्हें छोटे लोहिया के नाम से जानते हैं। वहीं बदमाशों के आतंक पर भी अखिलेश ने योगी सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो काकोरी शहीदों के नाम से जाना जाता था, आज वो डकैती के लिए सुर्खियों में है। कन्नौज और मथुरा में भी घटनाएं हुई हैं। इन हालातों के लिए योगी सरकार ही जिम्मेदार है। ये डकैतियों का नया भारत बनाना चाहते हैं। ये बगल में आपका काकोरी शहीदों के नाम से जाना जाता था, आज डकैती के नाम पर अखबारों में छपा पड़ा है। ये सरकार किसी फ्रंट पर सफल नहीं हो पाई है और अन्याय भी ऐसा नहीं है और अन्याय की सीमा पार कर दी। मैं उस दलित परिवार से मिला था कन्नौज में, वो घर पे लेटा था, सो रहा था, पुलिस आई, मार मार करके उसको वहीं पर मार करके छोड़ गए और राती में बिना पोस्टमार्टम के उसका दाह संस्कार करा दिया। मथुरा की घटना आपको याद होगा, एक बच्चा निकल आया, उसको गोली लगी, वो जान चली गई। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर बच्चे की जान गई है तो कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। इसके अलावा अखिलेश ने कहा कि अब जनेश्वर मिश्र पार्क में भी ये लोग 10 रुपए का टिकट लगाने जा रहे हैं। इनका बस चले तो ये पैदल चलने वाले राहगीरों पर भी टैक्स लगा दे। ये लोगों की परवाह करने वाले लोग नहीं है। इस पार्क में भी 10 रुपए लगाए हैं। इनकी सरकार अगर चलती रही तो पैदल चलने वालों पे भी ये टैक्स लगा देंगे। बता दें कि सूबे की राजधानी में पिछले कुछ दिनों में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। लखनऊ के चिन्हट इलाके में गुरुवार की देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक घर में धावा बोल दिया। डकैती की वारदात का विरोध करने पर बदमाशों ने परिवार के 3 सदस्यों को गोली मार दी। इसके बाद बदमाशों ने घर में डकैती कर दो नाबालिग लड़कियों को अगवा कर लिया। सक्रिय पुलिस ने लड़कियों को बदहवास हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आशंका है कि लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। उधर लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के बनियाखेड़ा और कटोली गांव में डकैतों ने शनिवार को 3 घरों में जमकर लूटपाट की। बनियाखेड़ा गांव से करीब 150 मीटर दूर दूसरे गांव कटोली में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। ऐसे में अब देखना होगा कि कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों पर अखिलेश की ललकार का जवाब योगी सरकार कैसे देती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर जनेश्वर मिश्र की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हर पहलू पर पूरी तरीके से फेल है। चाहे वो अपने वादों की बात करे या किसान को जिस तरीके से उसने उनकी लागत की मूल्य की बात कही थी या युवाओं को रोजगार की जो बात कही थी, हर वादों पर सरकार पूरी तरीके से फेल है और ये चीज पूरी तरीके से जनता भी जानती है, जिसका परिणाम 2019 में देखने को मिलेगा। लगातार भाजपा का जो काम है वो सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का है, वो जनता को और सभी लोगों को केवल जो मुद्दे हैं उससे भ्रमित करने की का प्रयास करती है। सरकार सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है और इन सभी चीजों का परिणाम 2019 में जरूर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ विक्रम राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।